क्लास में हम जो डाइस एंड क्यूब्स में एक टॉपिक जो बचा था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इंशाल्लाह उस टॉपिक को आज हम कवर तो आज करेंगे। का जो टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इस पर सवालात किस तरह से आते हैं, इंशाल्लाह आज मिसालों के जरिए हम देखेंगे। एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, अगर उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी के साथ इस पर आने वाले सवालात को हम हल कर सकते हैं। चलिए सवाल के जरिए इसको हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर एक सवाल के जरिए हम इसको समझेंगे। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड, इट इज शोन बाय फिगर्स। इफ द पेपर इज अनफोल्डेड, हाउ डज इट अपियर? तो यहाँ पर सवाल क्या है, पेपर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर क्या है, 71 यहाँ पर है। तो पेपर को पहला इस तरह से फोल्ड किया गया है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद ये फुल शीट है, ये हाफ हो गया। उसके बाद में फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है, और उसके बाद फोल्ड करने के बाद में वो कुछ इस तरह से हो गया। इस तरह से होने के बाद में यहाँ पर इसको दो होल बनाए गए हैं। तो जब ये पेपर खोला जाएगा तो इसमें कौन सी शक्ल हमें नजर आएगी? तो इस तरह से ये फोल्ड किया गया, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो ये मतलब क्या है, ये क्वार्टर पौ हिस्से में इस तरह से फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर इसको किस तरह से पहचानना है, तो हम इस हिस्से को लेना है जो हिस्सा फोल्ड हुआ है, जो हमारे पास लास्ट हिस्सा बचा हुआ है उसको हम लेंगे। तो उसको लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह से वो हिस्सा है, यहाँ पर एक डॉट और यहाँ पर एक है। तो अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये किधर खुलेगा, किधर खुलेगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक मिरर इमेज बनेगा इस हिस्से पर। इस हिस्से से क्या है, मिरर इमेज बनेगा। आईना अगर रखकर देखेंगे हम, यहाँ पर आईना रखेंगे तो उसका ये इधर बनेगा, तो मिरर इमेज हम देखना है। तो इसका जो नजदीक है उसका यहाँ पर बनेगा, और जो दूर है वो दूर बनेगा, यानी तकरीबन इस तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट जो है ये मिरर इमेज हो गया। अब इसको हम वापस इस तरफ नीचे फोल्ड खोलेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, इसको वाटर इमेज भी कहते हैं। नीचे जो बनेगा वो वाटर इमेज, मतलब यहाँ का ये यहाँ पर बनेगा। तो ये यहाँ पर बनेगा, और ये दो जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे, और ये यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से कुछ नजर आएगा जब खुलेगा। तो आपको एक हिस्से को देखना है, एक हिस्से को देख करके उसका मिरर इमेज किस तरह से, मिरर इमेज किस तरह से बनता है। तो मिरर इमेज में देखिए यहाँ पर ये इसका जो नजदीक है वो उसका इमेज नजदीक बनेगा, और जो दूर है कितना दूर है उस हिसाब से ये यहाँ पर बनेगा। तो अब ऐसा यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अब हम ऑप्शन में हमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसा बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब दो के बीच हमारा यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटीज है। अब दो के बीच में कौन सा है, देखिए कौन सा पॉसिबल हो सकता है, पहला हो सकता है या दूसरा? पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा दूर है, जो इससे डिस्टेंस क्या है इसका, दूर है लाइन से। अगर ये लाइन को टच होता तो वो भी करीब, उसका जो मिरर इमेज होगा वो बिल्कुल करीब होता, मगर ये लाइन से क्या है, थोड़ा दूर है, यहाँ पर है, तो उसका इमेज भी यहाँ पर थोड़ा सा दूर बनेगा। ये वाटर इमेज यहाँ पर इस तरह से ये बनेगा, तो ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से हमें पूरा फोल्ड अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं है, उसको हम एक में ही हमें पता चल रहा है, एक उसका जो मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो उसी में हमको पता चल जाता है। अगर हमें कंफ्यूज हो रहा है तो नेक्स्ट फोल्ड खोलना है हमें, हमने यहाँ पर दोनों फोल्ड यहाँ पर उसको अनफोल्ड किया है, वो जरूरत नहीं है। तो एक में ही जो हिस्सा हमारे पास लास्ट का हिस्सा लेना है
और उसका मिरर इमेज अगर हम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा। और उसके बाद हम क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए देखना है कि कौन सा पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर मिरर इमेज और जो वाटर इमेज कहते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें होना जरूरी है। मान लीजिए अब यहाँ पर मिरर इमेज तो आपको समझ में आ गया, वाटर इमेज क्या होता है। अब यहाँ पर ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो मिरर इमेज किस तरह से हो रही है, हमने देखा यहाँ पर ये है और यहाँ पर इस तरह से। तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर भी ये ट्राइंगल ही बनेगा और यहाँ पर ये सर्कल बनेगा। जो नजदीक है उसका इमेज नजदीक बनता है, जो दूर है उसका इमेज दूर बनता है, ये मिरर इमेज। वाटर इमेज में क्या डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर ये सर्कल है तो उतने ही दूर यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, मगर ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा वाटर इमेज में नहीं बनेगा। वाटर इमेज में क्या होता है, ये जो उसका बेस है वो ऊपर चला जाता है और जो उसका टॉप है वो नीचे आ जाता है, ये वाटर इमेज में डिफरेंस है। अब पानी में आप ठहरे हैं तो पानी में देखिए माउंटेन ऊपर रहता है, तो पानी में माउंटेन कैसा ऐसे ही नजर आता, उल्टा नजर आता है। पानी के ऊपर अगर कोई ट्री है तो वो कैसे नजर आता है, जब पानी के नीचे होता है तो वो इस तरह से नजर आता है। तो वाटर इमेज में ये डिफरेंस है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। मिरर इमेज इस तरह से बनता है, ये मिरर इमेज, यहाँ बीच में मिरर है समझिए, तो मिरर में रखने पर ये इस तरह से बनेगा, नजदीक वाला नजदीक उसका इमेज बनेगा, दूर वाले का दूर बनेगा। वाटर इमेज कुछ इस तरह से होता है, अगर कोई माउंटेन हम ऊपर देख रहे हैं तो वो नीचे पानी में इस तरह से उल्टा नजर आएगा, कोई ट्री देख रहे हैं तो इस तरह से ये उल्टा दिखेगा, वैसे ही यहाँ पर ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल हमें उल्टा नजर आएगा। तो उस चीज बेसिक दो चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी एक सर्कल है, उसको पहले इस तरह से फोल्ड किया गया है, उसके बाद उसको इस तरह से ये पौ हिस्से में हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दो डॉट्स या दो पेपर को कट किया गया, कट डाला गया उसको, जब उसको हम खोलेंगे तो किस तरह का इमेज बनेगा। तो मैं जैसे कि बताया हम किसको किसको लेना है, इस हिस्से को लेना है, इस हिस्से को अगर हम लेंगे तो क्या बनाना है हमें, यहाँ पर एक सेंटर में देखिए सर्कल्स जो है, देखिए यहाँ पर ये दो सेंटर में है, तो इसका मिरर इमेज कहाँ पर बनेगा, तो उसका मिरर इमेज उतने ही डिस्टेंस पर दरमियान में बनेगा। ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरह से बना उसका मिरर इमेज, अब उसका जो वाटर इमेज बनेगा सेम नीचे आएगा, तो हम उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले, तो ये हो फोर्थ हो सकता है क्या, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता और इसी तरह से सेकंड भी नहीं हो सकता। अब जो बचा हुआ है किसके बीच है। और एक चीज मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बताना था, क्या करना है हम यहाँ पर, इसको हम ड्रॉ करना है, जिस तरह से पेपर फोल्डिंग था उसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हम क्या करना है, एक वर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करने पर आप खुद पता लगाएंगे कि कौन सा है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब सेंटर में करेक्ट अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन 3 सही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं इसके बीच में गैप कम है, मगर यहाँ पर जो देखिए आप यहाँ पर ये गैप है तो नीचे भी क्या होगा, ये गैप में ही आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर दो में कंफ्यूजन था, दो भी हमारे पॉसिबिलिटीज थे, मगर यहाँ पर इनका डिस्टेंस, क्योंकि जब इमेजेस की बात करते हैं तो आईने में हम आईने से जितना दूर ठहरते हैं आईने में हमारा इमेज भी उतना दूर होता है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर बहुत मायने रखता है जब इमेज बन रहा है, तो वो चीज यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गैप बहुत कम है, अब इस हिसाब से यहाँ पर गैप होना जरूरी है, तो वो चीज हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है ये। चलिए आप इस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए, देखिए ये हिस्से पर हम कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पर पेपर को इस तरह से फोल्ड किया गया है। अब ये जो हिस्सा है
ठीक है, इसको अगर हम मिरर, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इसको हम बीच में आईना रख करके मिरर इमेज लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, और जो डॉट्स हैं ये जो करीब है वो करीब बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। अब फिर अगर इसका हम वाटर इमेज लेंगे तो ये ट्रायंगल जो ऊपर है ये नीचे उल्टा होगा, और जो डॉट्स हैं वो इस तरह से बनेंगे। तो बहरहाल अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह की ये शक्ल होगी। देखिए, अब ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते जाइए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीटली इसको लिया। तो अब मैं क्या बताया था आपको, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, दो चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ इसको हम इस तरह से, तो देखिए बिल्कुल इसका यहाँ पर ये मिरर इमेज इस तरह से बन रहा है। तो इसका 73 का कौन सा हो सकता है, बिल्कुल क्लियरली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर ये मौजूद नहीं है, गैप बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया आ जाएगा, इस तरह से आप ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से है, वो डॉट है, वो लाइन को टच है या नहीं टच है वो देखिए। हाँ देखिए, यहाँ पर ये टच है, और ये भी मतलब टच है, मतलब बिल्कुल नियर है, तो ये भी बिल्कुल नियर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी बिल्कुल करीब बनेगा, इसका भी बिल्कुल करीब बनेगा। तो अब यहाँ पर करीब किस में बन रहा है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कहाँ पर कम है, तो यहाँ पर किस किधर हो रहा है, इस तरह से, फोर्थ इज राइट। देखिए अब यहाँ पर ही इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज ये यहाँ पर इस तरह से, तो ये इधर होगा और ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा। अब फिर उसको नीचे कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, तो अब यहाँ पर ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, उसका जो मिरर इमेज देखिए यहाँ पर वाटर इमेज बन रहा है, तो ये ऊपर इसके यहाँ पर ये आएंगे। तो कौन से पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए ये तो नहीं हो सकते, सेकंड और थर्ड हो सकते हैं क्या, सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो गए। अब पॉसिबिलिटीज कहाँ हैं, वन और फोर्थ में, वन में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, तो वन में भी नहीं है, तो बिल्कुल क्लियरली हमारा आंसर क्या है, फोर्थ वन है। वो जो शेडेड एरिया है वो कट है, वो उतना हिस्सा कट किया गया, जहां पर शेड है उतना हिस्सा कट किया गया है। अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो फोर्थ नहीं हो सकता, इसी तरह से थर्ड भी नहीं हो सकता। देखिए इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर इस तरह से, ये कट यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, इसका ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, ठीक है, तो उसके अपोजिट बिल्कुल क्या होगा। अब ये इसको हम इस तरह से अगर लेंगे, इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो उसका जो वाटर इमेज, अब इसका वाटर इमेज नीचे बनेगा, इधर बनेगा, इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो यहाँ पर भी ये कट आएगा और ये यहाँ पर बनेंगे, ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन वन में तो इस तरह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ऑप्शन थ्री भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो डॉट्स बन रहे हैं जो कट के इस तरह से हैं, इस डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, यहाँ पर कट इधर है और ये इधर बन रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, जहां पर कट है कट के बीच से ये गुजरना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू ही यहाँ पर क्या है, सही जवाब है। चलिए अब इसको देखिए, एलिमिनेट ऑप्शन में कौन सा होगा,
सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है यहाँ पर इस तरह से ये बन रहा है, तो जाहिर है बीच में स्क्वायर तो नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ तो नहीं है। अब बच गया कौन सा, वन और थर्ड। देखिए मैं बोला ना आपको इस तरह से ड्रॉ करने के लिए। तो ड्रॉ कीजिए, तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, वन तो नहीं होगा। तो बहरहाल आपको एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना है, एलिमिनेट करने से आपको आसानी होती है। ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, राइट। अब बच गया बी और डी। इसमें भी डी नहीं हो सकता क्योंकि डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता बोले तो, यहाँ पर जो ये सर्कल है, ये जो डॉट्स हैं, ये जरा ऊपर हैं, ये दूर हैं, मगर यहाँ पर क्या है, ये देखिए इतना डिस्टेंस यहाँ पर ये तकरीबन सेंटर में आ रहा है। इस यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो उस हिसाब से क्या वन हो सकता है, हमारा ऑप्शन डी सही है। वैसे आप ड्रॉ कीजिए तो आपको बहुत क्लियर होगा, इसको भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जरा ऊपर चला गया, और यहाँ पर ये गैप भी बहुत दूर है, मगर यहाँ पर ये थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए। मगर मेन जो हम डिसाइड करेंगे, ये जो ऊपर वाले जो कट्स हैं उस हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही जवाब। चलिए ऑप्शंस एलिमिनेट, बी और डी एलिमिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पर जी बीच में बनने वाला क्या होगा, सर्कल है, ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पर सी में मौजूद है क्या, देखिए सी में जो है कॉर्नर्स यहाँ पर हैं, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, मिडल में बहुत अपोजिट है, और यहाँ पर इस करीब है साइड सर। मिडल में, तो ये नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं हमारे कहाँ पर आने वाले हैं, कॉर्नर में आने वाले हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर में नहीं है, तो कॉर्नर में कहाँ पर है, ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ऑप्शन ए क्लियरली आप हमारा सही जवाब है। देखिए अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्टिकली फोल्ड किया गया है। सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऊपर के जो शक्ल में है बॉटम में नीचे कट नहीं है, मगर ए और सी में कट है। देखिए ये नजदीक है तो इसका नजदीक है, और ये दूर रहा तो इसका दूर बन गया, चार फोल्ड है, तो ये जो करीब वाला कट है वो करीब वाला उसका यहाँ पर होगा, ये दूर है तो ये भी दूर हो गया, इस तरह से सेम इधर बनाया तो इधर भी वही पैटर्न है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, इसी तरह से ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। जो पॉसिबल ऑप्शन हमें लग रहा है तो उस पर हम क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद का फोल्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका जो मिरर इमेज क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ये यहाँ पर है तो ये नियर बन गया, ये यहाँ पर दूर है तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दूर बन गया। अब सेम केस यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए ये जो नजदीक है और ये जो दूर वाले हैं, दूर वाले हैं, तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मिरर इमेज है, जो वाटर इमेज है, वो रॉन्ग बन रहा है, वाटर इमेज इसका यहीं पर बनना है, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है, तो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में जो बनेगा वो मुरब्बा बनेगा।
अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो कट्स हैं वो दरमियान में हैं। ये डॉट आप देख सकते हैं, इस डॉट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो इसका ये यहाँ पर बन रहा है, तो ये यहाँ पर बनेगा, है क्या? नहीं, तो ये यहाँ पर होगा, तो ये सी में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर जो डायमीटर बोलेंगे तो उसके बिल्कुल करीब है, मगर ऐसा नहीं है, ये 45 डिग्री पर बने हुए हैं ये डॉट्स, तो 45 डिग्री पर होगा, तो बिल्कुल क्लियरली आप बगैर किसी इसके आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। वाटर इमेज का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा, देखिए क्वेश्चंस में देखिए, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मुसलसात की जो इमेजेस बन रहे हैं वो गलत हैं। इसी तरह से ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब जो बच रहे हैं दो ऑप्शन बी और सी में, हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। लिए हम देखेंगे इसका। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे, ये सेंटर में है तो यहाँ का भी ट्रायंगल क्या होगा, सेंटर में होगा, ये डॉट यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर होगा, अब इसका वाटर इमेज जो नीचे बनेगा, ये नियर है तो ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा। अब इसका यहाँ पर ऊपर भी ये बनेगा, ये ऊपर के हिस्से भी आपके अभी खाली हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ होगी, तो आप उसको ड्रॉ कर लें तो बेहतर है, क्योंकि तीन फोल्ड हैं तो ये कितने फोल्ड नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बने हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका वाटर इमेज लिया हूँ, तो वाटर इमेज में आपको नीचे फिर ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं क्या यहाँ पर, नहीं आ रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि बी यहाँ पर सही जवाब है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इसी तरह से ऑप्शन सी और ए को भी एलिमिनेट करेंगे। बी क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो शेप है, जो काइट जो शेप बन रहा है, या इसको रॉम्बस कहें, रॉम्बस का जो शेप है यहाँ पर ये खड़ा है, और यहाँ पर सब में क्या है, ये हमारे जो फोल्ड में है, मैंने क्या है आर्डर में यहाँ पर खड़ा है, ये सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। बाकी को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है, ये जो डॉट है, ये नियर आते हैं दोनों, मगर ये सब ऑप्शन में, ए में भी क्या है दूर दूर है, सी में भी दूर है, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकते, तो क्लियरली हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, डी है। कौन सा नहीं हो सकता इसमें, डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्क्वायर है, तो इसको अगर हम इसका इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, ये सर्कल यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो इस हिसाब से ये यहाँ पर है, तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा ऊपर बनेगा, तो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नीचे, ये तीनों ऑप्शन में नीचे इस तरह का जो रॉम्बस की शक्ल है वो नहीं बन रही है, तो बिल्कुल क्लियरली हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए। कितने फोल्ड हैं बोलिए वहां पर, चार फोल्ड हैं, तो चार फोल्ड में एक एक फोल्ड में बीच में दो दो आए, तो चार फोल्ड में कितने आना, चार फोल्ड में कितने, एक फोल्ड में यहाँ पर सेंटर में कितने, देखिए दो हैं, तो ऐसे कितने फोल्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल चार फोल्ड हैं, तो सेंटर में ऊपर दो डॉट होंगे, साइड में दो, और इसी तरह से नीचे भी दो डॉट्स तो होंगे। इसके अपोजिट यहाँ होगा, इसके अपोजिट यहाँ होगा, उस हिसाब से यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो कौन से ऑप्शन में इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बी और डी में इस तरह से बन रहा है, मगर बी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स में सिर्फ एक एक डॉट्स या एक एक कट मौजूद है, जबकि हमारे पास चारों कॉर्नर में दो दो कट्स, दो दो डॉट्स बन रहे हैं। तो इस तरह से जो करेक्ट जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ देखिए इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, सिंपल है बहुत ही, ये आपका इस तरह से होगा,
ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, इसका वाटर इमेज यहाँ पर बनेगा, और ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह का जो फिगर कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।